गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू एपीएस बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको वायरस की संरचना और वायरॉइड्स पर आपसे चर्चा की। हमने आपको बताया कि वायरस जो होते हैं आकार की दृष्टि से उनका आकार भिन्न भिन्न होता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के वायरसों का आकार भिन्न भिन्न होता है। कुछ वायरसों का आकार गोलाकार होता है तो कुछ वायरसों का आकार छड़ के आकार का होता है, कुछ वायरसों का आकार बहुकोणीय होता है, तो कुछ वायरसों का आकार टैडपोल के समान होता है। जैसे मैंने आपको बताया जीवाणु वायरस, जिनका आकार कैसा होता है, टैडपोल के समान होता है। वायरस की जो संरचना होती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। वायरस की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कैप्सिड, दूसरा आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल और तीसरा मैंने आपको बताया था आवरण। आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब वायरस को देखा जाता है तो वायरस के चारों ओर प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है जिसे प्रोटीन कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कैप्सिड जो होता है वो अनेक छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर जो होते हैं वो अनेक इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें मोनोमियर कहते हैं। और मोनोमियर जो होते हैं वो अनेक एक से अधिक पॉलीपेप्टाइडों से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, वायरस में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक होते हैं डीएनए और दूसरे कौन से होते हैं, आरएनए। परंतु वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो उनमें डीएनए पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है, आरएनए उनके अंदर क्या है, पाया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं आवरण के बारे में। मैंने आपको बताया कि वायरस की संरचना के चारों प्रोटीन के आवरण का खोल पाया जाता है, और इसी आवरण के चारों ओर, अर्थात प्रोटीन के आवरण के चारों ओर, ठीक है, एक ढीला आवरण पाया जाता है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलकर के बना होता है। इसका व्यास 100 से लेकर के 150 आर्मस्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने आपको वायरॉइड्स के बारे में बात की थी और आपको बताया कि वायरॉइड्स की खोज 1971 में डायनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इनके मुख्य विशेषताएं मैंने बताया कि जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। वायरस से आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और इनमें एक एकल सूत्री आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। इनमें क्या है, प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें कैप्सिड का क्या होता है, अभाव होता है। और प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है तो ये वायरॉइड्स जो होते हैं, इन वायरॉइड्स को नग्न वायरस भी कहा जाता है, नेग्ड वायरस भी कहा जाता है। इनमें आरएनए आकार में छोटा होता है या छोटे खंडों के रूप में आरएनए पाया जाता है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या 246 से लेकर के 388 तक इनमें क्या होती है, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और सबसे अंत में मैंने आपको बताया कि वायरॉइड जो होते हैं वो केवल और केवल उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। वायरॉइड्स उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है हमारा अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और इसी चैप्टर का अंतिम वीडियो आज हम आपको देने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन्स क्या है, इस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए आइए, लाइकेन्स क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड हमारा चल रहा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकेन्स।
हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकेन्स पर चर्चा करेंगे, लाइकेन का क्या परिचय है, ठीक है, या मीनिंग ऑफ लाइकेन्स पर आपसे चर्चा करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स पर आपसे बात करेंगे, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आज का रहेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन्स, लाइकेन्स का आर्थिक महत्व। तो आइए हम बात करते हैं कि लाइकेन्स क्या है, ठीक है। देखिए लाइकेन्स कुछ भी नहीं होता है, लाइकेन्स क्या है, सैवाल और काउकों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। लाइकेन्स किससे मिलकर के बने होते हैं, सैवाल और कवक, इन दोनों से मिलकर के क्या बने होते हैं, लाइकेन बने होते हैं। लाइकेन किन से बने होते हैं, सैवाल और कवकों से मिलकर के क्या है, बने होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, सैक भी बोल सकते हैं, सैक भी कहा जाता है, लाइकेन्स को सैक भी कहते हैं, यहां से सह लिया यहां से कह लिया, इसलिए लाइकेन्स को क्या कहा जाता है, सैक भी कहा जाता है। सह का अर्थ होता है सहवाल, कह का अर्थ होता है कवक, अर्थात लाइकेन्स सहवाल और कवकों से मिलकर के क्या है, बने होते हैं। आपको मैं बता दूं लाइकेन्स का जो शरीर होता है, ठीक है, लाइकेन्स के शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है, कवकों से बना होता है। लाइकेन्स के शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है, कवकों से बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कवक सूत्र होता है, कवक सूत्र होते हैं, जैसे ये कवक सूत्र होता है, ये कवक सूत्र होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर क्या है, ये कवक सूत्र होता है, और इन कवक सूत्रों के बीच बीच में, इन कवक सूत्रों के मध्य में क्या पाया जाता है, सहवाल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इन कवक सूत्रों के मध्य में क्या पाया जाता है, सहवाल पाया जाता है। तो इस तरीके से सहवाल और कवकों के मिलने से किन का निर्माण होता है, लाइकेन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाइकेन्स का क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात सहवाल और कवक जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने पर किन का निर्माण होता है, लाइकेन्स का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो आपको बता दिया कवक सूत्रों के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, सहवाल क्या है, पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं रिव्यूलेरिया, रिव्यूलेरिया, ग्लियोकैप्सा, प्रोटोकोकस, सिस्टोकोकस, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, लाइकेन्स के हैं। प्रोटोकोकस, ये प्रोटोकोकस एक प्रकार की क्या है, लाइकेन है, ठीक है। सिस्टोकोकस है वो भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, आपकी लाइकेन है। रिव्यूलेरिया भी क्या है, रिव्यूलेरिया ये भी एक प्रकार की क्या है, क्या है, लाइकेन है। आर्चेला ये भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, लाइकेन। मैं आपको बता दूं सामान्यतः जो सहवाल होते हैं, ठीक है, लाइकेन में जो सामान्यतः जो सहवाल होते हैं वो ऊपरी सतह के क्या होते हैं, समीप पाए जाते हैं, और एक स्तर के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। सहवाल कैसे पाए जाते हैं, एक स्तर के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर बात होगी। मान लीजिए ये जो लाइकेन है, इस लाइकेन में से हम सहवाल और कवकों को दोनों को पृथक पृथक कर दें, अलग अलग कर दें, भाई ये क्या है, आपका कवक तंतु, और कवक तंतुओं के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, सहवाल पाए जाते हैं। इसी में ये कवक तंतु हो गए, ये सहवाल हो गए, दोनों के मिलने से क्या बना, लाइकेन बना, ठीक है। और यदि हम इन सहवाल और कवकों को दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दें, ठीक है, दोनों को जब अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, तो दोनों का ही जीवित रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सहवाल जो होते हैं, ठीक है, सहवाल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक ऐसे होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। परंतु कवक जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए वो भोजन के लिए सहवाल, कवक जो होते हैं वो सहवालों पर क्या करते हैं, निर्भर कर रहते हैं, क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। सहवाल जो होते हैं उन पर कवक भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर रहते हैं। अगर इन सहवाल और कवकों को दोनों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो अलग करने पर क्या होगा, ये दोनों क्या है, इनका जीवन कैसा हो जाएगा, इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अंतर संबंध पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहजीवी, जिसको इंग्लिश में सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है, सिम्बायोसिस के नाम से जानता है। सहजीवी क्या है, दो जीवों के मध्य ऐसा अंतर संबंध, दो जीवों के मध्य यानी कि शैवाल और कवकों के मध्य ऐसा अंतर संबंध जिसमें दोनों ही जाति के जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। दो जीवों के मध्य ऐसा अंतर संबंध जिसमें दोनों ही जाति के जीवों को क्या होता है, लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी। इसलिए शैवाल और कवक क्या होते हैं, सहजीवी के रूप, सहजीवी के रूप में एक साथ दोनों रहते हैं। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा लाइकेन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, लाइकेन की संरचना, ठीक है। देखिए लाइकेन की जो संरचना होती है मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की एक संरचना होती है लाइकेन, ठीक है, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। लाइकेन की जो संरचना होती है वो थैलस के आकार की होती है, अर्थात हम कह सकते हैं लाइकेन का आकार जो होता है या लाइकेन का जो शरीर होता है वो थैलस जैसा होता है। थैलस का अर्थ होता है, थैलस का अर्थ होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैलस का अर्थ होता है थैला, थैला का मतलब होता है बैग, यानी कि जैसा बैग होता है हमारे घर में थैला होता है, उस थैले के समान लाइकेन की क्या होती है, संरचना। थैलस ने बोले तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकाय। हम बोल सकते हैं कि लाइकेन की जो संरचना होती है या लाइकेन का जो शरीर होता है वो सुकाय जैसा होता है, सुकाय का अर्थ होता है थैलस जैसा होता है, थैलस का मतलब थैले जैसे आकार का होता है, बैग जैसे आकार का होता है, ठीक है। अब एक देखिए लाइकेन्स है, जिस लाइकेन का नाम है फोलिओज लाइकेन, फोलिओज लाइकेन है, उसका जब सेक्शन काटा गया, फोलिओज लाइकेन को क्या है, जब काट करके देखा गया, फोलिएज लाइकेन का क्या काटा गया, सेक्शन काटा गया। सेक्शन का अर्थ होता है किसी चीज को, जैसे ये शैवाल है इसको काटा और काटने के बाद इसके आंतरिक संरचना को देखा गया, तो फोलिओज लाइकेन का सेक्शन काट करके उसे जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो लाइकेन की जो संरचना होती है वो निम्न प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की संरचना उसकी क्या है, दिखाई देती है। ये क्या है, थैलस होता है, सुकाय होता है, मैंने बताया लाइकेन की संरचना थैलस के आकार की होती है या थैलस जैसी होती है। थैलस की ये ऊपरी सतह होती है और ये कौन सी सतह होती है, निचली सतह होती है। थैलस की ऊपरी सतह होती है और कौन सी सतह होती है, निचली सतह होती है, ठीक है, यानी कि थैलस के अंदर दो सतह होती है, ठीक है, और ये दोनों जो सतह होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह, दोनों किससे बनी होती है, ये दोनों सतह किससे बनी होती है, कवक सूत्रों से बनी होती है, किससे बनी होती है, कवक सूत्रों से बनी होती है, कवक सूत्रों से क्या होती है, बनी होती है, माइसिलियम से क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। हमने आपको बताया लाइकेन की जो संरचना होती है वो थैलस के समान होती है और थैलस की ऊपरी और निचली जो सतह होती है वो कवक सूत्रों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है, किससे बनी होती है, कवक सूत्रों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। ये दोनों सतह, अब मैंने यहां थोड़ा सा गैप दिखा रहा था, परंतु ये दोनों सतह अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे से इस प्रकार से क्या होती है, सटी हुई होती है। ये दोनों जो सतह होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह जो होती है वो दोनों एक दूसरे से क्या होती है, सटी हुई होती है, इसलिए इन सतहों को क्या कहा जाता है, इन सतहों को क्या कहा जाता है, वल्कुट कहा जाता है। वल्कुट ने कहा है तो इसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि ऊपरी सतह इस तरीके से हो गई और ये क्या हो गई, निचली सतह, ये दोनों सतह एक दूसरे से क्या होती है, ये दोनों सतह एक दूसरे से क्या होती है, सटी होती है, और ये दोनों सतह कैसी होती है, कठोर होती है, कैसी होती है, कठोर होती है, और ये दोनों सतह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कवक सूत्रों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है,
और इन दोनों सतहों को क्या कहा जाता है, वलकुट इनको क्या है कहा जाता है, इन सतहों को क्या कहा जाता है, वलकुट कहा जाता है। ठीक है, अब ये वलकुट की जो दोनों सतह है इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, कवक सूत्र पाए जाते हैं। और ये कवक सूत्र कैसे होते हैं, ढीले ढाले होते हैं। ये कवक सूत्र यानी कि कॉर्टेक्स के मध्य में, कॉर्टेक्स के मध्य में देखो, मैं इसमें आपको सटी हुई है इसलिए मैं इसको डार्क कलर से दिखा रहा हूं। ये डार्क कलर है, ये क्या है, यहां पर कवक सूत्र पाए जाते हैं, अर्थात ऊपरी और निचली सतह जिसको हम वलकुट कहते हैं, इस वलकुट के मध्य में ठीक है ये कवक सूत्र पाए जाते हैं। और ये कवक सूत्र कैसे होते हैं, लूज होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, अर्थात वलकुट के अंदर की तरफ कवक सूत्र कैसे पाए जाते हैं, ढीले ढाले पाए जाते हैं, ढीले प्रकार के कवक सूत्रों का समूह पाया जाता है। और इस भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। इस भाग को, अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, मेडुला, या इसे मध्यांश के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मध्यांश के नाम से क्या है जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, लाइकेन का जो शरीर होता है उसका अधिकांश भाग, लाइकेन के शरीर का अधिकांश भाग किससे बना होता है, कवकों से बना होता है, जिसे हम माइकोबायोंट कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि माइकोबायोंट किसे कहते हैं, माइकोबायोंट किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं माइकोबायोंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सहवाल लाइकेन्स का अधिकांश भाग किससे बना होता है, कवकों से बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, माइकोबायोंट कहते हैं। और इनमें सहवाल जो होता है, सहवाल जो होता है वो क्या है, सहवाल जो होते हैं वो कवकों के क्या है, कवकों के बीच बीच में या मध्य भाग में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, फाइकोबायोंट के नाम से क्या है जाना जाता है। तो मैंने बता दिया लाइकेन का शरीर का अधिकांशतः जो भाग होता है, ठीक है, अधिकांशतः भाग का निर्माण कवकों के द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, माइकोबायोंट कहते हैं। और इनमें शैवाल का भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, फाइकोबायोंट कहा जाता है। यानी कि इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं, फाइकोबायोंट, ठीक है। आपको मैं यहां पे दो टर्म्स और बता रहा हूं, एक है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और दूसरी है माइकोलॉजी। इसी से दो बातें और समझ में आ जानी चाहिए, माइकोलॉजी, माइको का अर्थ होता है कवक और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। फाइको का अर्थ होता है शैवाल और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसलिए नाम से स्पष्ट है, माइको का अर्थ होता है कवक, बायोंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, अर्थात जो कवकों से क्या है जुड़ा, कौन हो जुड़ा हुआ, यानी कि शैवाल जुड़े हुए। फाइकोबायोंट, फाइको का अर्थ होता है शैवाल, बायोंट का मतलब जुड़ा हुआ, कौन जुड़ा होता है शैवाल, यानी कि शैवालों से कौन जुड़ा होता है, कवक जुड़ा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइकेन्स का अधिकांश भाग कवकों से बना होता है जिसे माइकोबायोंट कहते हैं, और इसके इन कवकों के मध्य में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइकोबायोंट कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेडुला और ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों की एक क्या बन जाती है, तह बन जाती है। कॉर्टेक्स और मेडुला की क्या बन जाती है, एक तह का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये शैवाल और कवक सूत्रों के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। थैलस की ये निचली सतह होती है, इस निचली सतह पर एक ये विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। थैलस की निचली सतह पर क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे मूलांगी कवक तंतु कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मूलांगी कवक तंतु कहा जाता है, ठीक है। राइजोडियल हाइपी के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, लाइकेन की निचली सतह पर क्या पाया जाता है, मूलांगी कवक तंतु पाए जाते हैं, और इन्हीं के सारे संपूर्ण जो थैलस होता है वो अपने अधः स्तर से क्या होता है, लगा होता है या जुड़ा होता है। तो ये हमने आपको बता दिया है लाइकेन की संरचना।
मैंने आपको बताया लाइकेन की जो संरचना होती है या लाइकेन का जो शरीर होता है वो सुकाय जैसा होता है, अर्थात थैलस जैसा होता है। लाइकेन की जो संरचना होती है उसके अंदर दो सतह पाई जाती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह और निचली सतह कवक सूत्रों से बनी होती है और ये दोनों सतह एक दूसरे से सटी हुई होती है, कड़ी के रूप में जुड़ी होती है, इसलिए इस भाग को क्या कहा जाता है, वल्कुट कहते हैं। वल्कुट के अंदर कवक सूत्र जो होते हैं वो ढीले समूह, ढीले ढाले समूह के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस कवक सूत्रों का जो समूह जो ढीले ढाले रूप में व्यवस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। क्लियर बात हो गई। लाइकेन्स का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे बना होता है, कवकों से बना होता है, जिसे माइकोबायोन कहते हैं, ठीक है। तथा कवकों के बीच बीच में क्या होता है, कव सहवाल लगे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइकोबायोट कहते हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों एक तह के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। इनके निचली सतह पर, कॉर्टेक्स के निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, मूलांगी कवक तंतु पाए जाते हैं। और ये मूलांगी कवक तंतु क्या करते हैं, संपूर्ण लाइकेन के जो थैलस होता है उसको अधय स्तर से लगाए रखने का या चिपकाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। इसी के साथ लाइकेन की संरचना हमने आपको रिपीट भी कर दिया और दोबारा से आपको समझा भी दिया, ठीक है। लाइकेन की संरचना के बाद इस पाठ का एक अंतिम टॉपिक शेष रह गया है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, लाइकेन्स का आर्थिक महत्व। देखिए लाइकेन्स का आर्थिक महत्व पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। लाइकेन्स का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन्स का कौन सा महत्व बता रहे हैं, आर्थिक महत्व। देखिए सबसे पहला महत्व मैं आपको बता दूं, एक आइसलैंड मॉस होती है। आइसलैंड एक देश है, वहां पर एक विशेष प्रकार की लाइकेन्स होती है जिसका नाम है सिट्रेरिया आइलैंडिंग, ठीक है। सिट्रेरिया आइलैंडिंग ये एक विशेष प्रकार की क्या होती है, लाइकेन होती है, ठीक है। आइसलैंड एक देश है, वहां पर सिट्रेरिया आइलैंडिंग, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की सहवाल ओ लाइकेन होती है। इस लाइकेन को गेहूं का जो आटा होता है हमारा, गेहूं के आटे के साथ मिला करके क्या है, खाया जाता है। अर्थात सिट्रेरिया आइलैंडिंग को भोजन के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे आइसलैंड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मॉस के नाम से जाना जाता है, आइसलैंड मॉस के नाम से जाना जाता है। तो आइसलैंड में सिट्रेरिया आइलैंडिंग जो होती है लाइकेन, इसको गेहूं के आटे के साथ मिलाकर के क्या किया जाता है, खाया जाता है। इसलिए इस प्रकार की मॉस को आइसलैंड मॉस के नाम से क्या है, जाना जाता है। एक दूसरी मॉस है जिसका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है, देखो अम्बिलिकेरिया। ये एक ऐसी सहवाल होती है, इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर आर्कटिक जो प्रदेश होता है, आर्कटिक प्रदेशों में इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। किसका, अम्बिलिकेरिया का। अम्बिलिकेरिया जो लाइकेन्स होती है इसका उपयोग आर्कटिक प्रदेशों में भोजन के रूप में क्या है, किया जाता है। तो ये तो भोजन के रूप में दो सहवाल होती हैं जिनका उपयोग किसने किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। तीसरी जो सहवाल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ज्यादातर जो लाइकेन्स होते हैं वो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लाइकेन जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, कैसे होते हैं, सेंसिबल होते हैं। अतः यह वायु प्रदूषण का क्या है, एक सूचक है। किसका सूचक होता है, एयर पॉल्यूशन का क्या होता है, सूचक होता है। इससे प्रदूषण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति क्या होती है, संवेदनशील होती है। अतः हम कह सकते हैं
कि लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के, वायु प्रदूषण का क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। चौथा मैं आपको बता दूं, एक विशेष प्रकार का लाइकेन होता है जिसका नाम है रोसेला। रोसेला नाम का जो लाइकेन होता है, इस रोसेला लाइकेन से आर्सेला, ठीक है, रोसेला नाम का जो लाइकेन होता है इससे आर्सिन, आर्सिन नाम का एक रंजक और लिटमस क्या है बनाया जाता है। रंजक डाई भी बनाई जाती है और इससे क्या बनाया जाता है, लिटमस भी बनाया जाता है। लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। तो ये रोसेला नाम का एक लाइकेन होता है जिससे आर्सिन, ठीक है, जिससे आर्सिन तो रंजक और लिटमस क्या है प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता लग गया है कि रोसेला लाइकेन से आर्सिन, रंजक और लिटमस का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं दवाई के रूप में इनका उपयोग कहां किया जाता है। लोबेरिया, लोबेरिया, ये लोबेरिया नाम का एक क्या होता है, लाइकेन होता है। लोबेरिया नाम का क्या होता है, लाइकेन होता है। इस लाइकेन का उपयोग जिन मनुष्यों में फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाता है, ठीक है, उन रोगों का उपचार करने के लिए लोबेरिया लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो फेफड़े से संबंधित रोगों का उपचार करने के लिए इसका उपयोग दवाई के रूप में क्या है, किया जाता है, यूज एज ए मेडिसिन इन लंग्स, ठीक है। तो लोबेरिया नाम के लाइकेन का उपयोग फेफड़े से संबंधित दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए एक है पेल्टीजेरा कैनाइना, पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा कैनाइना। प्राचीन काल से ही इस पेल्टीजेरा कैनाइना नाम का जो लाइकेन होता है इसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है। कौन सी दवाई में किया जाता है आपको बता दूं, आप लोगों को जब कुत्ता काट लेता है, कुत्ते के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, ठीक है, उस मनुष्य को पेल्टीजेरा कैनाइना नामक क्या होता है, लाइकेन का उपयोग क्या है, कुत्ते के काटने की दवाई के रूप में उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया। तो पेल्टीजेरा कैनाइना का उपयोग कुत्ते के काटने की दवाई के रूप में उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, पारमेलिया। पारमेलिया एक विशेष प्रकार का लाइकेन होता है, एवर्रिया, एवर्रिया, ठीक है, पारमेलिया, एवर्रिया, और तीसरा जो प्रकार का होता है जिसका नाम है रेमेलाइना, ठीक है, पारमेलिया, एवर्रिया और रेमेलाइना, रेमेलाइना, ये तीनों प्रकार के जो लाइकेन होते हैं, इन लाइकेनों का उपयोग, इन तीनों प्रकार के लाइकेन्स का उपयोग हवन सामग्री में मिलाने का इनका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, हवन सामग्री के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात इन तीनों लाइकेन्स का उपयोग हवन सामग्री बनाने में किया जाता है, सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो, ठीक है। और सबसे अंश में हम आपको बात कर रहे हैं केलेडोनिया, केलेडोनिया, ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, केलेडोनिया रेंजिफेरा, केलेडोनिया रेंजिफेरा, केलेडोनिया रेंजिफेरा नाम का जो लाइकेन होता है, केलेडोनिया रेंजिफेरा नाम का जो लाइकेन होता है, इस लाइकेन का उपयोग, ठीक है, मैं आपको बता दूं पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बारह सिंगा जो होता है वो इसको खाने के लिए काम में लेता है, बारह सिंगा और पशुओं के खाने के रूप में केलेडोनिया रेजिफेरा नाम के लाइकेन्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेनेडियर मॉस भी कहा जाता है, रेनेडियर मॉस भी कहा जाता है, रेने डियर मॉस भी इसे क्या है कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि रेने डियर मॉस किसे कहा जाता है, तो केलेडोनिया रेंजिफेरा को रेने डियर मॉस भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर लाइकेन्स का आर्थिक महत्व को हम आपको रिपीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया, देखिए
सिट्रिलेरिया आईलैंडिंग, ठीक है। इस लाइकेन का उपयोग क्या किया जाता है, इस लाइकेन को गेहूं के आटे में मिला करके आइसलैंड देश में खाने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इस लाइकेन को आइसलैंड मॉस भी कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया अमेलिकेरिया नाम का जो क्या होता है लाइकेन होता है, इसका उपयोग भोजन के रूप में आर्कटिक प्रदेश के लोग करते हैं। तीसरा यानी कि ये दोनों सिट्रिलेरिया आइलैंडिंग और अम्ब्रेलिकेरिया नाम का जो लाइकेन होता है, इन दोनों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, यूज एज ए फूड, ठीक है। लाइकेन जो होता है मैंने आपको बता दिया, लाइकेन जो होते हैं वो क्या है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के क्या होते हैं सूचक होते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तीसरा है, चौथा है रोसेला नाम का क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लाइकेन होता है, इस रोसेला से आर्सिन रंजक और लिटमस क्या है प्राप्त किए जाते हैं। लोबेरिया नाम का जो लाइकेन होता है इससे फेफड़े की दवाई का, फेफड़े से संबंधित जो रोग हो जाते हैं उन रोगों का उपचार करने के लिए इस लोबेरिया लाइकेन का उपयोग किया जाता है, अर्थात लोबेरिया को फेफड़े की दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। पेल्टीजेरा कैनाइना जो होता है लाइकेन, इसका उपयोग कुत्ते काटने की दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पारमेलिया एवरिया रेमेलाइना, ये तीनों प्रकार के जो क्या होते हैं लाइकेन्स होते हैं, इनका उपयोग किसमें किया जाता है, हवन सामग्री बनाने में किया जाता है। क्लेडोनिया रेंजिफेरा नाम का लाइकेन्स जो होता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है बारहसिंगा और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे रेनेडियर मॉस भी क्या है कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं आपके 99-83-03-86 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम का हल जानने के लिए, ठीक है। कोई भी स्टेप आपके समय में नहीं बैठा हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि बायोलॉजी में ज्यादातर इंग्लिश शब्दावली का उपयोग आप ज्यादातर याद करेंगे तो आपके बायोलॉजी बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का ही सबसे ज्यादा आगे जाकर के आपको क्या मिलेगा फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, हम कई बार कुछ टीचर्स क्या करते हैं भैया कठिन चैप्टरों को छोड़ देते हैं, हम क्या है चाहे पहला पार्ट टफ है तो हम टफ को ही पढ़ाते हैं, ठीक है, ये नहीं हम सबसे पहले भाई बहुत ही सरल टॉपिकों को पढ़ाते हैं। पहला पार्ट आपने देखा कुछ ऐसा था जिसमें कुछ टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग थे तो कुछ ऐसे भी थे अनइंटरेस्टेड थे, ऐसे आपने देखा कि सेकंड चैप्टर में भी कुछ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अनइंटरेस्टेड भी है जिनके नाम रखना कठिन होता है, परंतु आप इनको एक बार लिख करके देखेंगे तो आपके सारे क्या हो जाएंगे एक मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। बार बार अगर आप इनको एक बार लिख के देख लेंगे तो दोबारा से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।